और चाहिए बोलो। अरे बाबा, अरे बाबा बचाओ। सिंपू, ये केस तो उलझता जा रहा है। 14 नंबर का जूता पहनने वाले को आखिर कैसे ढूंढे? कुछ समझ नहीं आ रहा सिंपू। सिंपू, सारी चोरियां बेस्ट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम्स में हो रही हैं। अपने शहर में 4 बीबीआई बैंक के 4 एटीएम सेंटर्स हैं। लगता है अगली चोरी वही होगी। चलो सिंपू, टाइम फॉर सम एक्शन। लगता है पुलिस को चोरी की खबर लग गई है। अरे, ये तो इंस्पेक्टर प्यारे लाल है। सिंपू, कुछ गड़बड़ है। लेट्स गो। ये दोनों तो बेहोश हैं। ये बिस्किट्स, किसी ने इन्हें इनके खाने में दवा मिलाकर इन्हें बेहोश कर दिया है। ये जरूर उस चोर का ही काम होगा। भूत, बचाओ, बचाओ! अंदर बिना मुंडी का भूत है। सिंपू, वो रहे चोर। लेट्स कैच देम। जल्दी चलाओ गाड़ी, जल्दी। और ये लगा निशाना। शरारती बच्चे, तू फिर मेरा प्लान चौपट करने आ गया। इस बार नहीं छोड़ूंगा। इतना आसान भी नहीं है। इन्हें पकड़ना होगा। सिंपू, तुम साइकिल संभालो। सिंपू, तूने उस चोर की आवाज सुनी? मुझे लगता है कि मैंने ये आवाज पहले भी कहीं सुनी है, पर कहाँ? आज बाल बाल बच गए। उस नन्हे जासूस ने तो मुझे फिर से पकड़ ही लिया था। वो पिद्दी आपके प, 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 पीछे यहाँ भी पड़ गया। याद है, एक बार प, 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 पहले हमें उसी बदमाश बच्चे ने ब, 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 बैंक लूटते हुए पकड़ा था। इस बार तो वो मेरे हाथ से बच गया। अगली बार मिला तो उसकी हमेशा के लिए छुट्टी कर दूंगा। बॉस, आप हर बार बीबीआई बैंक में ही क्यों डाका डालते? शहर में दूसरे भी तो बैंक हैं। मत पूछ छोटे, बहुत दर्द भरी कहानी है। बताइए ना बॉस, सुना है दर्द बताने से हल्का हो जाता है। जेल से छूटने के बाद मैं एक आम आदमी की तरह इज्जत की जिंदगी जीना चाहता था। नई जिंदगी शुरू करने के लिए मैं एक टैक्सी का लोन लेने बीबीआई बैंक में गया था। वहाँ के मैनेजर ने मुझसे मेरा नाम, पता, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और इनकम टैक्स फाइल मांगी। लोन कैंसिल हो गया होगा, क्योंकि आपके पास वो सब तो होगा ही नहीं। यार, तू बीच में मत बोल, ये मेरी स्टोरी है। मैंने सब नकली पेपर्स का इंतजाम कर लिया था। आप कितने इंटेलिजेंट है बॉस। मैनेजर को मैं अपने सारे कागजात देने ही वाला था कि उसी वक्त पुलिस आ गई। तुझे मेरी स्टोरी सुनाने की बहुत जल्दी है ना, तो चल तू ही सुना दे।